16 तारीख के लिए जो वैक्सीन लगनी है वो हमने अभी तक जो है 5 जो सेशन साइट्स हैं वो अभी सेलेक्ट किए हैं, जिसमें IGMC के अलावा DDO हॉस्पिटल और KNH रहेगा शिमला में। इसके अलावा हमारा सिविल हॉस्पिटल ठियोग और सिविल हॉस्पिटल रामपुर रहेगा। तो इन इन स्थानों पे जो वैक्सीन लगनी है उसमें पहले से जो लोग वैक्सीनेट होने उनको मैसेज दिया जाएगा, और नेक्स्ट डे उन्हीं को जो रजिस्टर्ड हैं और जिनको मैसेज गया उन्हीं को वैक्सीन लगेगी। तो पहले फेज़ में जैसे आप जानते हैं हमारे जो हेल्थ के वर्कर्स हैं उनको लगनी है, तो इन सबको जो मैसेज आएगा तो उनको उस दिन बुला के उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी जनसाधारण से ये शेयर करना चाहूँगी कि जो वैक्सीन है इसको थोड़ा टाइम लगता है असर करने में, तो इसके इस दौरान भी लोगों को पूरे एहतियात बरतने पड़ेंगे जो कि अभी तक हम कर रहे हैं, मास्क लगाना, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि जो सेकेंड डोज 28 दिन पे लगेगी उसके भी 14 दिन के बाद जो है उसका जो एंटीबॉडी टाइटर है वो मैक्सिमम आता है जो प्रोटेक्टिव है। तो इसलिए उस टाइम तक तो पूरी तरह से एहतियात रखने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट कि आज वैक्सीन लगाई तो कल आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते। पूरे चांसेस हैं इस दौरान में, अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं बरतेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, इसलिए वो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कि एक ये सेफ और टेस्टेड वैक्सीन है, और सीरम इंस्टीट्यूट की पहले भी जितनी वैक्सीन आई वो सेफ पाई गई हैं, और ये पूरे ट्रायल फेज के बाद ही इसको लॉन्च करा जा रहा है। तो इस दौरान हमें कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं आया जिस पे हमें थोड़ा भयभीत होने की ज़रूरत है। जो टोटल वर्कर्स अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला में देखें तो लगभग 11,000 वर्कर्स हैं, लेकिन अभी हमारे को डोज जो मिलेगी उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है बताना कि जिनको जो जिस जो वैक्सीन फर्स्ट डोज लगी है वही वैक्सीन सेकेंड भी लगेगी। जैसे कि अभी अगर कोविशील्ड आती है तो हमें अगर फर्स्ट फर्स्ट डोज हम कोविशील्ड दे रहे हैं तो अगली वैक्सीन भी वही लगानी पड़ेगी। तो यदि हम पहले चरण में जैसे मैं 10,000 अगर व्यक्तियों को कर रही हूँ तो मुझे उनकी अगली 10,000 डोजेज भी 28 दिन की पहले से मुझे रखनी पड़ेंगी अलग से, तो उस हिसाब से हम वैक्सीनेट करेंगे।